अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी के सीन ही, आज हम जा रहे हैं आईकिया में एक्सप्लोर करने के लिए। एक बहुत बड़ी दुकान है उधर, मतलब हर किस्म के जो घर की नीड्स होती हैं वो उधर मिल जाती हैं। जो भी मतलब उधर जो भी फर्नीचर वगैरह सब कुछ उधर अवेलेबल होता है, और आज आपको जाके दिखाएंगे। बाकी हमारे घर के पास ही है, और अभी मौसम देखो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये देखो मौसम भाई, अभी तो फुल क्लाउडी हुआ हुआ है मौसम, और अभी थोड़ी देर पहले देखो बारिश लगी हुई थी, अभी फिलहाल रुक चुकी है। नीचे देखो भाई, पूरा जो फ्लोर है वो देखो गीला हुआ हुआ है, अली भी यार बैठा हुआ भाई। चलो अभी चलते हैं, हमें लेनी है एक ही बस और जाना शार्डिंग सेंट्रल में। शार्डिंग सेंट्रल के पास ये वो आईकिया, फिर आपको भी दिखाएंगे। तो जो अपनी बस है वो भी आ चुकी है, अभी चलते हैं अंदर। A few moments later. तो गाइस शार्डिंग सेंट्रल में पहुंच चुके हैं। इधर तो देखो फंक्शन चल रहा है भाई, कोई काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन हम चलते हैं भाई आईकिया में। ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, यहाँ पर कुछ कॉन्सर्ट है क्या है, तभी काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और आज संडे भी है तो इसीलिए रश भी है काफ़ी। अब हम यहीं से चल चल के जा रहे हैं, और ये देखो भाई रॉबर्ट भी है। ये सारे कनेक्टेड प्लाजा है ना, तो यहीं से मतलब थोड़ा सा बाहर निकल के हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा, और वहीं पर आईकिया होगा, काफ़ी ज़्यादा पास है इस प्लाजे के। तो अभी प्लाजे से तो बाहर आ चुके हैं, और अभी नीचे उतर रहे हैं, और जो वो सामने आपको दिख रहा है प्लाजा, हमें उधर जाना है, उधर ही आईकिया है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा वाला है भाई। तो गाइस ये रहा देखो, बाहर से कुछ ऐसा लगता है लिखा हुआ है होम स्क्वायर, और अभी इसके अंदर चलते हैं भाई। आते साथ ही हमें दिख चुकी है टोयोटा का शोरूम, उधर काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लगी हुई हैं भाई। ये तो सही, ये देखो अल्फर्ड लिखा हुआ है, ये तो सही बड़ी गाड़ी है, इनके रेट देख लो भाई। ये देखो दो दो तीन तीन लाख की भाई गाड़ियाँ, और ये तो भाई 1 मिलियन की है बस, हवा निकल गई। पाकिस्तान में ऐसी गाड़ी होनी चाहिए फैमिली के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, जो हमारी तरफ जो गांव में रहते हैं ना, उनकी जो रोडें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, और ये गाड़ियाँ मतलब वहाँ पर कामयाब नहीं है। बट फिर भी ये गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी हैं यार, फैमिली के लिए कंफर्टेबल हैं। और ये रही भाई एस्केलेटर आईकिया वाली, जो सीधा आईकिया में जाएगी, ये देखो सही लंबी वाली है। इस प्लाजे में मतलब ऑलमोस्ट जो हर दुकान है ना वो फर्नीचर की ही हैं, और आईकिया में तो वैसे भी फर्नीचर मिलता है, लेकिन ये प्लाजा ऑलमोस्ट पूरा फर्नीचर वाला है। देखो भाई ये भी वो भी, उधर भी जो दुकान है वो भी फर्नीचर की ही हैं। बैठने बैठने की जगह भी दी हुई है, इधर सोफे भी लगे हुए हैं, और चलते हैं भाई। ये देखो ये रहा आईकिया का एंट्रेंस, अभी अंदर चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। देखो कुछ कुछ लोग होते हैं ना, वो गर्मी को इग्नोर करने के लिए ना इधर आ जाते हैं ऐसे इंजॉय करने के लिए। देखो ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब अपना फ़ोन वोन यूज़ कर रहे हैं, इनको कोई काम नहीं है यहाँ पर, बस यही है कि मतलब इधर ए सी लगे हुए हैं ना, इसीलिए गर्मी से बचने के लिए तो इधर आ जाते हैं चिल विल मारने के लिए। देखो भाई, और बाकी आप चेक कर सकते हो, देखो मिनी किचन भी है, और सोफे वोफे लगे हुए हैं, इधर मतलब ऐसे बैठ भी सकते हैं, चिल भी कर सकते हैं, कुछ कहते नहीं है स्टाफ्स, इसलिए देखो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर ही नहीं रहे, बट पता है चिल मार रहे हैं। ये देखो इन्होंने अपना घर संभाल लिया है भाई। और आपने वो सुना ही होगा कि अंदर जाओगे अपनी मर्जी से, निकलोगे उनकी मर्जी से। ये इतना बड़ा है ना कि अंदर तो आ गए हो, लेकिन भाई आपको पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा बाहर। आर यू कॉमेडी मी? तो गाइस देखो भाई, अली को नींद आ चुकी है, अली सो गया भाई। कैसा है सोफा, मजेदार? चलो यार मैं भी बैठता हूँ यार। अरे गाइस हम भी चिल मार ले थोड़ा है? कैसा है फिर? ये देखो अली इधर बैठ चुका है, और मैं इधर। ये सही अच्छी वाली चेयर है यार, घूमती भी है और कंफर्टेबल भी है भाई। गाइस ये मत समझना मैं इनके बारे में बोल रहा था कि ये इधर चिल मारने आए, और मैं खुद ऐसे कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कितना कंफर्टेबल है। ठीक है गाइस, एक छोटे से रूम को अच्छे तरीके से बना लेते हैं, सामने टीवी लगा हुआ है पूरा, मतलब जो नॉर्मल घर में नहीं होता वैसा ही सिस्टम है। और ये देखो भाई अपना घर समझ लिया इसने भी इधर। और इतनी बड़ी जगह, आप सोच रहे होगे कि डायरेक्शन कहाँ से मिलते हैं, इन्होंने देखो इधर प्रोजेक्टर लगाया हुआ है रास्ता बताने के लिए, जाते रहते हैं। देखो इधर अभी नंबर 4 आ चुके हैं, इधर डाइनिंग लिखा हुआ है, तो इधर पूरा डाइनिंग का सामान होगा, मतलब जो भी ऊपर ऊपर लिखा होता है ना वो ऑलमोस्ट लगता है 26 या 27 जगह होंगी ऐसी, और सब कुछ डिफरेंट होगा हर एक रूम में। और इधर भी काफ़ी अच्छे अच्छे टेबल लगे हुए हैं फैमिली के लिए डाइनिंग करने के लिए। ये देखो भाई, और अभी सामने जा रहे हैं, इधर किचन एंड बाथरूम फर्नीचर होगा, और देखो बच्चों के जो बैठ के खाने वाली चीज़ें भी हैं। ये रहा किचन भाई, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और देखते हैं भाई इधर क्या है। और अभी आ चुके हैं वर्क स्पेस की तरफ, देखो इधर मतलब कंप्यूटर सेटअप, जो भी मतलब बिजनेस मैन होते हैं उनके जो टेबल का सेटअप नहीं होता उस तरह का आप इधर बनवा सकते हो। देखो और अभी आ चुके हैं भाई बेडरूम की तरफ, ये देखो कितने अच्छे अच्छे बेड लगे हुए हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, और ये तो बेड सही कंफर्टेबल लग रहा है, यहाँ पर वर्क प्लेस बेड और इन्जॉय भाई, डबल बेड
और एक नीचे बंदा सो सकता है, एक ऊपर। इसकी प्राइस देखो भाई 2,300, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला। और ये रहा एक वुडन वाला डबल बेड, और इसमें जो वेट भी लिखा हुआ है 100 kg तक जो बंदा है वो इसमें लेट सकता है, सो सकता है। और इधर भी है भाई, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे। आ चुके हैं भाई बालू की तरफ, ये देखो कितने ज़्यादा टॉयस हैं इधर, और बच्चे मतलब फुल इंजॉय कर रहे हैं इन बालुओं को। कितने क्यूट क्यूट बालू हैं यार। ये बड़े वाले देखते हैं भाई, पेंडास भी हैं। आए ये देखो भाई बेर, भाई साहब ये जो नहाने के बाद जो है शार का टावल। अली को तो भाई ये बेर पसंद आ गया भाई, ये देखो भाई कितने क्यूट से बच्चों के बेड भी हैं, छोटा सा बेड लगा हुआ है बच्चों की होमवर्क करने की जगह। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे भी है शुरू हो रहा है, ऊपर वाला हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चलो अभी नीचे जाके आपको दिखाते हैं। इधर रेस्टोरेंट्स भी हैं, अगर आप इधर खाना चाहते हो खा सकते हो। देखो और इधर जो है टावल्स लगे हुए हैं, और देखते हैं भाई इधर क्या है। इधर आ चुके हैं अभी, जो किचन का सामान नहीं होता, जो भांडे होते हैं, इतने बड़े बड़े रग लगे हुए हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे। और देखो इधर सही बड़े वाले हैं भाई, ये देखो चटाई टाइप जो मतलब घर में डालते हैं ना लिविंग रूम में, वो वाले। और इधर लैम्प टाइप या लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, देखो काफ़ी अच्छे अच्छे डेकोरेशन है, दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई मुझे ये वाली सही लग रही है, जो वॉल में हुई है ना क्रिसमस टाइप की लाइटें। इधर तो भाई ऐसा स्मेल आ रही है, जो ये जो होती है ना कैंडल्स, इनको जलाओ ना तो मुझे लगता है जो स्मेल नहीं वो आती है एक अच्छी सी फ्रेगरेंस टाइप। ये डिफरेंट डिफरेंट की जो कैंडल्स होती है ना, डिफरेंट स्मेल होती है हर किस्म की। और इधर जो काफ़ी अच्छी अच्छी स्मेल आ रही है भाई इधर भी। गाइस ये वाला लैंटर्न चेक करो भाई, जो मतलब हॉरर मूवीज़ में होता है, ऐसे चल रहे हो और सामने चुड़ैल आ जाए भाई। और जो ये जो है ना कैंडल्स, इनको स्मेल करते हैं, इनकी अच्छी अच्छी स्मेल है यार। ये खुली भी देखो सही है इनकी स्मेल है। और इधर देखो भाई शीशे भी लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। और इधर जो है घड़ियाँ लगी हुई हैं घर के लिए। और ये रे बॉक्सेस, मतलब जो अगर आपको जो पसंद आई हो, जो क्या बोलते हैं अलमारी टाइप, उनके जो बॉक्सेस हैं वो ये रे होते हैं, तो आपको मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बॉक्स उठाओ और ले जाओ और मतलब चेकआउट करा के घर ले जाओ भाई। ऐसी पैकिंग हुई होती है, जैसे कि ये आपको पसंद आ गया, इसके बॉक्स ये रे, ये पूरा उठाया और सामने आगे जाके पेमेंट कर दी, तो ये ईजी हो गया। फिर देखो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पैक किया हुआ है। ये देखो गाइस फेवरेट चीज़ ग्रिल, ये होना चाहिए भाई पाकिस्तान में फुल मज़े करने के लिए, ऊपर छत में करो भाई फुल मज़ा आएगा, बात तो सही है। तो गाइस फाइनली एंड के पास पहुंच चुके हैं, देखो इधर लिखा हुआ है 22 चेक इन्स, यहाँ पर मतलब ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, सामने जाके कैश भी दे सकते हैं, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। इतना ही था कुछ, और काफ़ी बड़ा था भाई, काफ़ी मज़ा आया इधर एक्सप्लोर करके। फिर हमने ली आइसक्रीम, देखते हैं भाई कैसी होगी आइकिया की। गाइस एक प्रॉब्लम हो चुकी है भाई, हमने सही देखा ही नहीं, ये डोरियन की निकली, मुझे शक और था डोरियन की, ये वनीला नहीं है भाई, डोरियन है, उतना सही नहीं है भाई। तो गाइस फाइनली आइकिया से बाहर आ चुके हैं, और अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ मैं टॉयलेट, फिर देखते हैं भाई कहाँ जाना है। हम तो आइकिया से बाहर आ चुके हैं, अभी फिलहाल जा रहे हैं एमटीआर की तरफ, और देखते हैं भाई क्या करना है, लगता है खाना लेने जाएंगे। तभी हमने ये वाला चॉकलेट वाला कुकी लिया है, अब इसको टेस्ट करते हैं कैसा है भाई। ये रहा कुकी, मजेदार। अपना जो है पिज्जा भी ले लिया है, तो चलो अभी चलते हैं घर सीधा। One hour later. तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, तो ये जैसे ब्लॉग जैसे हम थोड़ा दिखाया, आज हम गए थे आइकिया में, बाकी बड़ा मज़ा आया, और कल को फिर ब्लॉग बनाना पड़ेगा क्योंकि कल को ईद है, तो कल को मिलेंगे। बाकी भी करना ब्लॉग को एंड लाइक कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना, और बताना वीडियो कैसे लगी, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक गुड बाय।